السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब लोग? थक तो नहीं गए बहुत? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई ब्रेक की वजह से थोड़े से फ्रेश हो गए होंगे. सो इंशाल्लाह इन दिस सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. इन दिस सेशन थोड़ी सी आपकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी. सो इंशाल्लाह जस्ट ट्राई टू फ्रेशन अप, स्टैंड अप, सिट बैक, ताकि थोड़े से और फ्रेश हो जाएं. और इंशाल्लाह लेट्स बिगिन. एंड इंशाल्लाह टुडे हम देखेंगे कि किस तरह प्रेजेंटेशंस बनाते हैं. बट आई नेम द प्रेजेंटेशन यू नो अ बिट डिफरेंटली, हाउ टू रीच द हार्ट. बिकॉज समटाइम्स जब हम प्रेजेंटेशन का सोच रहे होते हैं या स्लाइड्स का सोच रहे होते हैं, तो हम बहुत फोकस्ड होते हैं कि सब कुछ उस स्लाइड में डाल दें. हम भूल जाते हैं कि शायद वो ओवरलोडेड हो जाए या बहुत क्राउडेड हो जाए या बहुत यू नो कॉन्टेंट ओवरफ्लो हो जाए, कि लोग जो हैं वो उस कंटेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकें. और बस हमारा पॉइंट ये होता है समटाइम्स कि हम सब कुछ दे दें, लेकिन सब कुछ एक दफा में वैसे भी कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता और ले भी नहीं सकता. तो इंशाल्लाह टुडे वी आर गोना फोकस ऑन हाउ टू मेक आवर स्लाइड्स इफेक्टिव, और ऐसी इफेक्टिव कि लोग एटलीस्ट देखें तो सही. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन जब होती है स्कूल या यूनिवर्सिटी में भी, तो बाकी सारे लोग सो रहे होते हैं. दे डोंट इवन वांट टू लुक एट देम, क्योंकि वो इतनी बोरिंग होती हैं. सो इंशाल्लाह द गोल इज कि वो ऐसी हो कि एटलीस्ट जिसको भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो देखे तो सही ना, आपकी मेहनत तो थोड़ी सी काम आए इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. सो विद दैट लेट्स बिगिन प्रॉपरली. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. May Allah give us the correct understanding of the deen. اور ہم جو سیشن کر رہے ہیں, may Allah make it beneficial for our dunya and akhirah both. آمین. So why are we learning about presentation in a very advanced Quran course or very advanced course to do with deen? Presentation کا دین سے کیا تعلق ہے? Any idea? What is the link? To spread the deen? Okay, good. Alhamdulillah. But koi daleel lain? Because being a student, and especially advanced course student, daleel se baat karni chahiye. Ki kya daleel hai ki hum presentation use kar sakte hain? Okay, to make the deen beautiful, good. Sahi hai, baatein aapki sari sahi hai, alhamdulillah. Theek hai. ये सारे तो हमारे इंशाल्लाह, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, मैसेज करने में आसानी होगी, लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, इट विल लुक ब्यूटीफुल, दैट्स करेक्ट, एंड दिस इज अ वे टू कनेक्ट विद पीपल, वेरी गुड. ठीक है, वी कैन कन्वे द मैसेज ब्यूटिफुली एंड इफेक्टिवली. ठीक है, जब हम दलील की बात करते हैं ना, तो फिर चले अल्हम्दुलिल्लाह. Someone's close. Sister Sumayya is quite close. She is actually referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, जब दलील की बात होती है तो फिर हम कहाँ से लाते हैं? कुरान से या कहाँ से? हदीस से लाते हैं. So, कुरान में कोई दलील है? कोई ऐसी कि presentations use की जा सकती हैं? सोचें सोचें. आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा होगा और कई दफा पढ़ा होगा. Nishaniya, good. Okay, what about all those examples jo Allah subhanahu wa ta'ala ne diye hain? Kitni examples diye hain na? Miraj ki example diye, right? Not Miraj, but you know the Miraj, would you call it in Urdu? Sarab, right? Aur kitni examples diye hain, right? To examples kya hoti hain? Jab koi example di jati hai to aapko ekdam se dimag nahi jata ek visual ki taraf, right? Jab aap sochte hain sarab, तो क्या सोचते हैं? एक इमेज आता है ना दिमाग में कि एक बहुत बड़ा सा सहरा है और उसमें पानी नजर आ रहा है, राइट?
تو اسی طرح سبحان اللہ اور کتنی ایگزامپلز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو پانی کس طرح گرتا ہے, رائٹ, تو پھر کس, یو نو, ویجیٹیشن ہوتی ہے. آل آف دیز آر ویژولز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیے ایون ود دا ورڈز کہ وہ ہم امیجن کرتے ہیں جب ہم سنتے ہیں. الحمد للہ, رائٹ. سو وی ہیو پروفس فرام دا قرآن دیٹ وی کین یوز ویژولز ٹو ٹیچ, دیٹس امیزنگ, بٹ آلسو فرام دا سنہ. الحمد للہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ہی سیڈ دیٹ ہی ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بھی صحابہ, اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سینڈ پہ انہوں نے ایک لائن ڈرا کی اور انہوں نے وہ بالکل سیدھی لائن ڈرا کی اور پھر اس کے رائٹ پہ اور اس کے لیفٹ پہ انہوں نے دو اور لائنز ڈرا کی اور پھر انہوں نے کہا, اپنا ہاتھ مڈل والی لائن پہ رکھا اور انہوں نے کہا کہ دس از دا پاتھ آف اللہ, یہ اسٹریٹ پاتھ ہے. اینڈ دین ہی ریسائٹڈ دس بیوٹیفل ورس, رائٹ, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي. And verily, this like Allah's commandment or this Quran or this deen or this path is my straight path. So follow it and follow not other paths, for they will separate you from his path. Subhanallah. So very clear depiction. Even though agar aap sochein, toh he was talking about deen. اس میں یوزلی کچھ لوگ بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ویژولز نہیں ہو سکتے, کچھ ڈرا نہیں کر سکتے, کوئی ایگزامپل نہیں یوز کرنا چاہیے, قرآن جو ہے وہ یو نو وی آر وی کینٹ میک اٹ ویری انفارمل اور وی کینٹ پلے اراؤنڈ ود اٹ. سبحان اللہ, وی آر ناٹ پلئنگ اراؤنڈ ود قرآن بائی ڈوئنگ دیٹ, وی آر جسٹ میکنگ اٹ ایزی فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ سبحان اللہ, ود نیو جنریشن, تو آج کل کی جنریشن ہے, دے آر آل انٹو ویژولز. Everything is screen, everything is something to look at, isn't it? Aur agar hum ye visuals nahi use karenge aur examples nahi unko dikhayenge to wo to understand hi nahi karenge aur phir wo kahenge ki ha, aur aaj kal to subhanallah koi read bhi nahi us tarah karta jis tarah log pehle karte the, kitni books padh lete the bacche bhi, ab to they are more into gadgets aur kuch unko koi tablet de dein, koi phone de dein, koi tv, computer, that's pretty much it. اور بکس میں بھی سبحان اللہ, دیئر سو مینی ویژولس تاکہ اسٹوڈینٹس لرن کریں, اسپیشلی اف یو نوٹس کورس بکس جو بچوں کے ہوتی ہیں, ایون اف دے آر ان اولڈر گریڈز, ہر ایک کے ساتھ پکچرز ہوتی ہیں جسٹ ٹو میک اٹ ایزی فار دیم ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ. ایگزیکٹلی, ان کو اچھی بھی وہی بکس لگتی ہیں جس میں بہت ویژولس ہوتے ہیں. سو وی ڈیڈ ٹاک اباؤٹ ون, ایک اور بیوٹیفل حدیث بھی ہے وچ از ٹو ڈو ود ویژول, and I really love this as well. Jami at-Tirmidhi se hai, hadith number 3533. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ek dafa ek darakh ke paas se guzre jiske upar bahut se dry leaves the, to unhone kya kiya, apni stick se apne us darakh ko hit kiya to jiski wajah se patte girne lage, phir unhone kya kaha, and that was something so beautiful. Agar aapko thodi bahut Arabic aayi gayi hogi, ye bahut easy Arabic hai, so try to pay attention. Or I really want you to try کر کے مجھے اس کا مطلب بتائیں. ان الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. کیا مطلب ہوا؟ کچھ تھوڑا بہت جتنا بھی سمجھ آئے, وی کین آل ڈو اٹ ٹوگیدر تاکہ ہم سب کی ایک میں دوبارہ بولوں کیونکہ it wasn't about that. اینڈ میں تو یہی ہے لیکن شروع میں کیا تھا, ان الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ٹھیک ہے. انڈیڈ جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ اور یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, لا تساقط من ذنوب العبد, جو گناہ ہوتے ہیں ایک انسان کے, ایک ورشپر کے, عبد کے, اللہ کے ایک سلیو کے, سرونٹ کے, وہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں درخت سے. امیزنگ, رائٹ, سبحان اللہ. اگر کوئی آپ کو اس طرح سکھائے کہ یہ ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے تو کتنا یاد رہے گا نا, کیونکہ ہم سنتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ صحابہ
और वो उस वक्त ये भी नहीं कि क्लासरूम सेटिंग में बैठे हुए और सीख रहे हैं या मस्जिद में, दे वर ऑन अ ट्रिप समवेयर, दैट्स व्हाई, ये कहीं बाहर थे, मस्जिद में नहीं थे, उन्होंने एक ट्री देखा और फिर इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. सो बारकल्लाहु फीकुम हूएवर ट्राइड टू ट्रांसलेट. बेशक अगर गलत भी ट्राई किया था, लेकिन ट्राई तो किया था ना. सो मे अल्लाह रिवॉर्ड एवरी वन ऑफ यू. अल्हम्दुलिल्लाह. सो इंशाल्लाह दिस हदीस यू कैन फाइंड इन जामे तिर्मिज़ी एंड इट इज हसन इन इट्स ग्रेड. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. सो वी एस्टैब्लिश द फैक्ट कि जो भी हम अब सीखने जा रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ दीन इंशाल्लाह, एंड दिस इज अ वेरी गुड टीचिंग टेक्निक. And it is a teaching technique which we learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So next time, agar aapko kabhi slide banani pade, to aap udaas nahi hoga ki oh my god itna zyada kaam karna padega, balki khush hoiyega ki inshaallah hum koi acha kaam kar rahe hain aur jitna bhi usme aapke time ya effort ja raha hai wo inshaallah sawab ka kaam hai. Aur alhamdulillah with the slides, the best part is ki you know you can reuse them. Theek kitni dafa istemal ho sakti hai, share ho sakti hai और कितने लोग फायदा उठा सकते हैं. जैसे कि टीचर बोर्ड पे कुछ बना के दिखाता है तो वो बोर्ड तो उसको इरेज करना पड़ता है एट द एंड, राइट. लेकिन जो स्लाइड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें इरेज नहीं करनी पड़ती, वी कैन रीयूज देम अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, मेनी टाइम्स. और बहुत से स्टूडेंट्स बार बार स्लाइड से ही दोबारा अपना रिव्यू करते हैं लेसन भी, तो विच इज अल्हम्दुलिल्लाह अ ग्रेट नोबल डीड. सो ओके, बिफोर वी गो देयर, बीइंग advanced course student, being ruhul bayan students, hum kyun seekh rahe hain? Isliye ki inshallah in future jab hum padhaye to hum students ke liye padhai aasan kar dein, unke liye concept samajhna easy kar dein aur unko kuch visuals dikha ke. Or also concentration is a big problem online students ke liye ki wo zyada der concentrate nahi kar sakte agar sirf sun rahe hote hain. Agar wo kuch dekh bhi rahe hote hain to phir wo you know they are glued to the screen, wo idhar udhar nahi jaate, fir wo chai peene nahi chale jaate, wo kuch aur nahi karne jaate kyunki unko hota hai curiosity ki ab pata nahi kya aayega next. Aur agar koi references bhi aap likh dein screen pe, jaise ye hadith hai aur niche reference, to uske liye bhi they will try to stay near the computer. So inshallah that is our effort and only Allah subhanahu wa taala, he can put some type of effect to it ki waqai fayda ho. वो तो अल्लाह सुभानहू व तआला ही डाल सकते हैं उसमें, लेकिन अपनी कोशिश तो हम ये कर सकते हैं कि इस तरह का यू नो कंटेंट प्रिपेयर करें कि लोग देखना चाहें या लोग देख यू नो एटलीस्ट कुछ सीख लें उससे इंशाल्लाह. सो विद दैट आई एम गोइंग टू शो यू, अब कुछ मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी, आप मुझे बताएं कि क्या ख्याल है आपका इनके बारे में. इस स्लाइड के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छी बनी हुई है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना देयर टिप्स कि हाउ टू मेक स्लाइड्स, वेरी बैड. ओके, सो स्ट्रेविनिश को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. यस, ब्लर्ड भी है, चले अगर ब्लर पार्ट निकाल भी दें फिर कैसी है, बहुत ज्यादा स्टफ है इसके ऊपर, बिल्कुल. और कोई गलती है इसमें? जब तक हम गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, हम अपनी साइड भी ऐसी बनाएंगे. और सुभान अल्लाह, आई हैव सीन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्टूडेंट्स ऐसी स्लाइड्स बना के ले आते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ दिखा दें एक ही स्लाइड पे. ऐसी क्या मजबूरी है, राइट, कि सब कुछ एक ही जगह दिखा दें? वी कैन इंशाल्लाह, क्योंकि स्लाइड से कोई हमें कोई रोक तो नहीं रहा. कोई अगर लिमिट है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेट्स से अगर आपको कहता है कि आपने एक ही स्लाइड में सब कुछ दिखाना है, फिर तो ऑफकोर्स देयर इज आपके पास कोई चॉइस नहीं है. लेकिन इफ यू आर टीचिंग अ क्लास तो कोई मसला नहीं है, ये सारे पॉइंट्स अब अलग अलग करके डिफरेंट स्लाइड्स पे दिखा दें. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि देयर आर सो मेनी इमेजेस, ठीक है, और वो ओवरलैप भी कर रहे हैं और कुछ समझ भी नहीं आ रही मतलब क्या है उनका, राइट. उनके इमेज भी जब यूज करें ना तो वो समझ आनी चाहिए कि क्यों यूज किया गया. और यू नो और जो टाइटल है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए स्लाइड्स पे कभी भी. इट शुड ऑलवेज बी फ्रेजेस, सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, फ्रेजेस होनी चाहिए. बिकॉज सेंटेंस तो जो प्रेजेंट कर रहा है वो बोलेगा ना. अगर वो पूरे सेंटेंसेस से लिख देगा तो फिर वो बोलेगा क्या, और अगर वो बोलेगा भी सेम जो लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स उसको क्यों सुनना चाहेंगे, कि वो कुछ नया तो दे ही नहीं रहा. सो द स्पीकर शुड हैव मोर देन द स्लाइड, तो फिर कंटेंट इंटरेस्टिंग भी रहता है और लुक फॉरवर्ड भी करता है जो सुन रहा है कि अच्छा क्या और क्या बताया.
और ये फॉन्ट वाकई बहुत छोटा है, इट्स नॉट गुड. एंड इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फॉन्ट के पीछे कोई इमेज पेस्ट करें, वो बहुत ही उसकी वजह से ना तो कुछ पढ़ा जाता है और ना वो इमेज नजर आता है. अगर कुछ बहुत ही शौक है कुछ पीछे ऐड करने का, तो उसको बहुत उसकी उसको इतना डल रखें कि वो बिल्कुल जैसे होता है वाटर मार्क की तरह आए, और दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं इंशाल्लाह. सो ये स्लाइड तो आप सबने इसको तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना? तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि किसी को पसंद नहीं है. देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें एक चार्ट भी है, विच इज अ गुड आइडिया टू यूज चार्ट्स. यस, यू राइट सिस्टर रेशमा, कि हमारा एम है क्लैरिफाई करें कॉन्सेप्ट्स को, ना कि कंफ्यूज करें. ओके, यू लाइक्ड इट. ओके, गुड. एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? वेरी गुड सिस्टर सादिया. इमेज जो है वो रिलेटेड नहीं है. वेरी गुड सिस्टर रोमाना. एग्जैक्टली, इमेजेस का कोई इससे लिंक नहीं है जो लिखा हुआ है उसके साथ. एग्जैक्टली, या इमेजेस ना भी होते तो ठीक था. व्हाट अबाउट द टाइटल? टाइटल कैसा है? क्योंकि सुबह जो भी लोग नया नया प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं ना, तो आई हैव नोटिस्ड दे लव वर्ड आर्ट. जो पावर पॉइंट में फ्री आता है ना एक ऑप्शन वर्ड आर्ट का, उसको बहुत यूज करना पसंद करते हैं और वो बहुत ही वियर्ड लगता है, ट्रस्ट मी. सुबहानअल्लाह, लाइक अगर आपने कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी लिखना है तो प्लीज वर्ड आर्ट नहीं यूज करें, क्योंकि आपको बहुत ओल्ड स्कूल हो चुका है. तो अच्छा सा फॉन्ट यूज करें और इट शुड स्टैंड आउट. यस फॉर श्योर, ये स्टैंड आउट कर रहा है, इतना बुरा भी नहीं है. लेकिन एक वर्ड आर्ट की वो होती है ना, सुबहानअल्लाह, एक फील, उससे एकदम से स्लाइड बोरिंग लगने लगती है. इवन तो बेचारी अच्छी स्लाइड थी, लेकिन नो, वी डोंट इवन पास दिस, क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट, के इट्स नॉट, मे बी कुछ लोगों की अटेंशन ग्रैब करे, लेकिन अच्छा डिजाइन नहीं है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? पॉइंट फॉर्म है, लोग यू नो पहले इसी तरह बनाते थे स्लाइड्स सारे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लेवल की स्लाइड ऐसी होती थी बोरिंग किस्म की. लेकिन इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को भगाना नहीं चाह रहे और इतने सारे पॉइंट्स एक जगह दे देंगे तो क्या क्या लिखेंगे, आपकी बात सुनेंगे या वो लिखते रहेंगे. वैसे इफ यू थिंक अबाउट इट, टाइटल अच्छा ही है, आई डोंट माइंड दैट. और बैकग्राउंड भी ठीक है, इट्स जस्ट कॉन्टेंट बहुत ज्यादा और यू नो उसमें सब पॉइंट्स भी हैं. अगर सब पॉइंट्स होते हैं तो बस फिर इतना हमें रखना चाहिए कंटेंट एक स्लाइड पे बस, और इतना नेक्स्ट पे, इससे ज्यादा नहीं. ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? Comparatively better, yes. लेकिन इसमें problems में उन्होंने खुद ही लिख दी यहाँ पर, ठीक है? क्या है कि various fonts are used, एक ही font use करें या एटलीस्ट यू नो कुछ रख लें कि अच्छा दो तरह के use करेंगे. लेकिन अगर एक तरह की information देना चाह रहे हैं और flow chart में, तो एक से रखें font same, क्योंकि otherwise समझ नहीं आएगी कि कोई flow था भी कि नहीं था. और style भी like you know हर तरह के use कर लिए जो available थे एक ही स्लाइड पे. सो दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया. अगर आपको बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट तरह की चीजें यूज करना, तो डिफरेंट स्लाइड्स पे डिफरेंट तरह का यू नो शेप यूज कर लें, उसमें डिफरेंट आप वो लगा लें जो एक्स्ट्रा फिल्टर्स हैं या जो भी फीचर्स, किसी को आप 3D बना लें, किसी को आप 2D बना लें, लेकिन एक स्लाइड पे एक तरीके का ही रहने दें तो बेहतर. सो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ओवरऑल this style is also good. एक तो इसमें एकदम से नजर आ रहा है कि we are talking about something which is three, which gets the attention. अगर आप जैसे स्पेशली कोई स्लाइड बना रहे हैं जिसमें 10 पॉइंट्स हैं, तो आप 10 डिफरेंट स्लाइड्स बनाएं और हर एक में इस तरह नंबर दें, इट्स अ वेरी गुड आइडिया. और जिस तरह टाइटल है, इट ऑल्सो स्टैंड आउट. अगर बहुत बड़ा फॉन्ट नहीं भी है फिर भी इट स्टैंड आउट, इट्स फाइन. इट्स जस्ट दिस पार्ट नीड्स टू बी फिक्स्ड, वो भी ज्यादा मसला नहीं है.
अगर हम एक कोई भी पिक कर लें, let's say this blue one, so just keep the same box style and keep the same font style. और फिर ये ठीक लगने लगेगा. हम दो. अच्छा, what about this one? It looks good, right? सब सबको देखने का दिल करता है ना, और पढ़ने का भी क्या लिखा हुआ है, इवन तो ना भी समझ आए कि क्या मकसद है. सो अल्हम्दुलिल्लाह, यस. सो ब्यूटिफुल इमेजेस, और स्पेशली अनदर थिंग इज कि गुड क्वालिटी इमेजेस यूज करें. हम बहुत दफा क्या करते हैं कि बस गूगल से इमेज सर्च किया, जो पहला इमेज नजर आया बस वही उठा लिया. एक और चीज टू रिमेम्बर कि गूगल के सारे इमेजेस जो है वो हमारे लिए लीगल नहीं है टू यूज जस्ट लाइक दैट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपीराइट चेक करें, और इंशाल्लाह लाइक यू नो आई एम गोना गिव यू अ साइट जहां पे सारे इमेजेस आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो कॉपीराइट ऑन देम, एंड दैट इज pixabay.com. ऑलराइट, PIX, राइट इट डाउन, क्योंकि वो आपके लिए आपने यू कैन से हलाल इमेजेस हैं यूज करने के लिए, दे आर नॉट कंसिडर्ड चोरी इमेजेस, सो वो आप यूज करें. इट्स राइट हियर pixabay.com. लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है, लेकिन आप अभी क्लिक नहीं करेंगे. अगर आपने क्लिक कर लिया तो डोंट गो देयर, राइट? ये बाद में आप देखिएगा, अदरवाइज यू गोना मिस आउट जो हम नेक्स्ट करेंगे. ठीक है, वेरी गुड सिस्टर नज़र. एग्जैक्टली, जब इसको देखा टाइटल स्लाइड को, तो फिर क्यूरियोसिटी हुई कि आगे प्रेजेंटेशन में क्या होगा, इजंट इट? सो दैट्स द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस स्लाइड. क्योंकि आपके बारे में, इसके बारे में क्या ख्याल है, इस तरह की स्लाइड. ये भी अच्छा, एग्जैक्टली, वेरी क्लियर, नाइस. और स्टेप्स अगर आपने कोई बताने, या जैसे अगर आप तयम्मुम का तरीका बताते हैं, थ्री स्टेप्स ही हैं, आप इस तरह बता दीजिए, या कोई भी चीज आपने स्टेप्स में बतानी है, या कोई भी चीज अगर आपने उसके पार्ट्स बताने, या कोई पॉइंट्स इस तरह के बताने के, बस इस लेसन से हमने ये तीन चीजें सीखी, तो इस तरीके से करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी इफेक्टिव. और स्टूडेंट के दिमाग में ना इमेज बैठ जाता है. अगर बहुत कुछ होता है तो इट डजंट स्टे. अगर बस थोड़ी सी चीज होती है, देन इट डज सुभानअल्लाह गेट स्टोर्ड. बिल्कुल जैसे फोटो स्टोर होता है ना किसी फोन में या कहीं कंप्यूटर पे, इसी तरीके से आवर ब्रेन्स आर लाइक दैट, दे स्टोर गुड इमेजेस. तो गुड इमेजेस बनाएंगे तो लोगों को याद रहेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, आई एम गोना शो यू टू फ्लायर्स. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन से फ्लायर्स और एडवर्टाइजमेंट्स. क्या ख्याल है आपका इन दोनों के बारे में? येलो वन इज बेटर. ओके, स्टर्न इज हेड, गुड. और किसी का कोई ख्याल नहीं है? ओके, सिस्टर शायस्ता लाइक्ड बोथ ऑफ देम, दैट्स गुड. Second one is more clear. All right. Okay. इसमें पहले वाले में अगर आप देखें तो फॉन्ट का कलर जो है ना अच्छा चूज नहीं किया, ये वाला. बाकी बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला कलर अच्छा नहीं है, पढ़ने में मुश्किल हो रही है, isn't it? तो ऐसा कभी भी फॉन्ट नहीं यूज करना चाहिए स्लाइड्स पे या किसी फ्लायर पे भी, क्योंकि वो नजर ही नहीं आ रहा. वो कोई इतना किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपना टाइम निकाल के गौर से पढ़े. अगर आप वाकई चाहते हैं कोई कोई चीज पढ़े, तो वो आप अच्छे फॉन्ट से लिखें, रीडेबल फॉन्ट, फॉन्ट कलर भी अच्छा हो. और अगर फॉन्ट कलर आप बस यही पसंद है और यही यूज करना चाह रहे हैं, या डिमांड ही है आपके क्लाइंट की कि आपको यही चाहिए, तो आप फॉन्ट थोड़ा सा सॉलिड यूज कर लें कि नजर तो आए. और अल्हम्दुलिल्लाह दिस वन इज वेरी सिंपल, इजी टू मेक फ्लायर, राइट? और नजर भी चढ़ आ रहा है. फॉन्ट ये वाला भी, नीचे वाला कोई इतना कोई अमेजिंग नहीं है, लेकिन इट इज रीडेबल. अगर कोई चीज बहुत सीरियस नहीं है तो वी कैन यूज ऐसे यू नो थोड़े से फैंसी टाइप ऑफ फॉन्ट्स, या थोड़े यू नो नॉट सो सीरियस टाइप ऑफ फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं. अदरवाइज गुड फॉन्ट्स आर ये वाले, अच्छे फॉन्ट्स हैं. ये ट्रेजर आइलैंड वाला फॉन्ट भी अच्छा है. इस तरह के फॉन्ट्स जो कि ईजिली रीडेबल, वो स्लाइड्स को यूज करने चाहिए, स्पेशली फॉर टाइटल्स. Very good. Yes, Sister Reshma, you're right. Exactly. लोग फ्लायर्स एक ही लुक में पढ़ना चाहते हैं ना,
और वो नहीं उनके पास इतनी एनर्जी और टाइम नहीं होता कि वो ढूंढे क्या क्या. सो द पॉइंट इज कि जब भी हम स्लाइड्स बनाएं वी हैव टू शो आइडियाज. स्लाइड्स नहीं दिखाने का मकसद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि हम अपने आइडियाज शेयर करें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमारा आइडिया क्या है, हमारा गोल क्या है, हम सिखाना क्या चाह रहे हैं. अगर हम ये याद रखेंगे हमारी स्लाइड्स बहुत अच्छी बनेंगी. अगर हम बस ये सोचेंगे बस स्लाइड्स पे ये डालना है, ये आयत डालनी है, इसका मतलब डालना है, बेशक बहुत लंबी आयत है, यू नो द लॉन्गेस्ट आयत ऑफ द कुरान, आयत दैन है और उसका ट्रांसलेशन बस हम एक में घुसाना है, उससे क्या होगा, ना तो स्टूडेंट्स को कुछ नजर आएगा ना पढ़ा जाएगा. आप समझेंगे आपने बड़ा कोई अमेजिंग काम कर लिया, लेकिन आपने कोई अमेजिंग काम नहीं किया, किसी से फायदा नहीं हो. तो यू कैन ब्रेक इट डाउन फ्रेज बाय फ्रेज इन अ वे कि स्टूडेंट को हर पार्ट क्लियरली नजर आए, और यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट फ्रेज फ्रॉम द आया उसमें लिखी और नीचे उसकी ट्रांसलेशन. तो दैट्स हाउ यू गोना कन्वे प्रॉपरली. सो वी आर शेयरिंग आइडियाज विद द पीपल, नॉट जस्ट स्लाइड्स, इंशाल्लाह. एंड दिस एग्जाम्पल, remember this whenever you're making presentations. Because alhamdulillah, jab bhi ek Quran teacher presentation banayega ya hadith teacher, koi bhi deen padhane wala, koi bhi da'i, to wo uska focus hoga ki wo content zabardast de. And when we talk about content, jo bhi hum de rahe hain, koi hadith sikha rahe hain, koi Quran ki ayat sikha rahe hain, koi concept samjhane ki koshish kar rahe hain, koi purpose of life explain kar rahe hain, it's amazing. But when we explain content like that, our left brain, जो receive कर रहा है या जो दे भी रहा है उसका left brain काम करता है. Left brain takes all the information. Left brain enjoys content. But right brain, you know, relax कर रहा होता है. लेकिन alhamdulillah, when we teach something with slides, your right brain enjoys too. So you are lightening up a person's full brain. Can you imagine? तो उसको क्यों नहीं ज्यादा समझ आएगा कि उसके लेफ्ट ब्रेन को भी कुछ मिल रहा है, उसके राइट ब्रेन को भी कुछ मिल रहा है. राइट ब्रेन को उसकी खूबसूरत स्लाइड नजर आ रही है और लेफ्ट ब्रेन को इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट मिल रहा है. एंड दिस इज अ वे टू रीच द हार्ट्स ऑफ पीपल. जब उनका पूरा ब्रेन लाइट अप होगा तो बात उनके दिल तक पहुंचेगी, इंशाल्लाह. सो इफ यू रिमेम्बर दैट यू विल एंजॉय मेकिंग स्लाइड्स इवन मोर. एंड अनदर थिंग जो हमें स्लाइड्स पे यूज करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स. Right? So, what are these infographics? अगर आपने कोई भी बात समझाने के लिए, अगर कोई आपके पास डाटा है, आपके पास कोई फैक्ट्स हैं, आपके पास कोई कीवर्ड्स हैं, then don't just list them. अगर आप लिस्ट करेंगे तो वो बहुत बोरिंग लगेगा और मजा भी नहीं आएगा और राइट ब्रेन एंजॉय नहीं करेगा. अगर आप उसको किसी यू नो विजुअल की तरह दिखाएंगे, जैसे इस तरीके से, राइट. सो अगर आपने कुछ स्टेप्स बताने, आपने कोई फायदे बताने कि ये जिक्र करने का, लेट्स से यू राइट इन द मिडल यू कैन पुट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड फिर उसके आप डिफरेंट अहदीस में जो फायदे हैं वो यहाँ लिखते हैं. पूरी हदीस ना लिखें हर बॉक्स में, इट इज गोइंग टू बी टू मच, स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी. आप सिर्फ लिखें कि क्या फायदा, एक क्या एक फायदा है कि वन वी से अल्हम्दुलिल्लाह वंस, इट तमला मीजान, इट फिल्स द स्केल्स. तो फिल्स द स्केल लिखते हैं और इस तरह बस छोटी छोटी फ्रेजेस लिख दें और इस तरीके से आप उन्हें एक्सप्लेन करें. तो जब एक स्लाइड ऑन होगी उसके ऊपर आप बेशक 5 मिनट भी बात कर लें, स्टूडेंट एंजॉय करेगा दोनों चीजों को. उसको आपके फ्रेजेस भी अच्छे लग रहे होंगे लिखने के लिए कि वो अच्छा आई गॉट द टाइटल, गुड. और फिर जब आप हदीस बताएंगे तो वो भी लिखना चाहेंगे, तो वो दे विल बी फुली देयर. अगर वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो वो सही तरीके से एंजॉय करके नोट्स बनाएंगे, इंशाल्लाह. तो स्लाइड को ओवरलोड नहीं करें, लेकिन उनको ओवरलोड कर दें इंफॉर्मेशन से, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह, इफ दे आर एडवांस्ड स्टूडेंट्स. ऑल्सो दिस इज अनदर वे कि अगर आपने जैसे कुछ समझाने के लिए, जैसे आप लेट्स से यू टॉकिंग अबाउट सम स्कॉलर, तो आप उन स्कॉलर के की तस्वीर नहीं डालेंगे, बिकॉज वी डोंट पुट विजुअल्स, राइट. वी डोंट पुट विजुअल्स लाइक इन एज इन फोटोज ऑफ पीपल. सो डोंट पुट फोटो, व्हाई नॉट क्यों नहीं होनी चाहिए फोटो, हमें तो बहुत पसंद है पिक्चर्स खींचना और शेयर करना, तो क्यों नहीं स्लाइड पे डाल सकते. दलील देना, आप तो एडवांस कोर्स स्टूडेंट्स हैं, दलील के बगैर नहीं बात किया.
Theek hai, angels nahi aate. Very good. Good, alhamdulillah. So there is a hadith to do with it, right? So, ye permission ki bagair ki baat nahi hai. Jo bhi koi insaan ki picture, proper, ek scholar, let's say kisi scholar ki baat ho rahi hai. Hum scholar ki tasveer hi laga dein. Ye sahi baat nahi hai. Kyunki phir angels nahi aayenge. To aapki class mein acche khase angels the. They were covering you, protecting you, like sort of, it's like a tranquility descend ho rahi thi students ke upar. Aur phir aapne ek dikha di tasveer, ek insaan ki with eyes, aur proper. Phir kya hua? Angels chale gaye. Theek hai, aapne khud hi apne aap ko mehroom kar liya itni achhi gathering of angels se. So don't do that. So ye wali picture se koi problem nahi hai ki isme ye koi insaan thodi lag raha hai, bas ek icon sa hai. Iski aankhein bhi nahi hai, naak bhi nahi hai, muh bhi nahi hai. So it's all right. But phir aap jaise, let's say you're talking about a scholar. ठीक है, यहाँ पे आप उनका नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप उनके कोई फेमस लेक्चर का जिक्र कर देंगे, यहाँ उनकी बुक जो उन्होंने लिखी है उसका लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि उनकी क्या क्वालिटी आपको अच्छी लगती है जो कि हमें फॉलो करनी है, राइट? सो दिस इज सुभानअल्लाह अ वेरी इजी वे. और लोगों को, जैसे अगर आप बहुत से स्कॉलर्स के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज अ गुड वे कि बोरिंग ना बने स्लाइड, क्योंकि यूजुअली लोगों को ये वाली बातें बहुत बोरिंग लगती हैं, जो किसी के नाम हो या किसी की बायोग्राफी हो या किसी की कोई लंबी डिटेल्स हो, तो उसको आप इस तरह इंटरेस्टिंग बना के प्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो उनको समझ भी आ जाएगी कि नोट्स में क्या लिखना है, ईजी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप सिर्फ बोल रहे होंगे तो वो सब कुछ लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, पूरे जुमले के जुमले. लेकिन अगर उन्हें आप छोटा छोटा कॉन्टेंट इस तरह दे देंगे तो उनको समझ आ जाएगी, अच्छा ठीक है, वट डू आई नीड टू राइट. इंशाल्लाह. Also, this is another way to write options, ya koi bhi points, ya koi bhi steps. So these are all different forms of infographics. And infographics are quite in these days. So inshallah, try to use them apni slides mein. Aur agar bachchon ko bhi apne padha rahe hain aap khud, to unko bhi isi tarike se padhaye. Unke liye bhi unka padhai ko easy karke. Aur isi tarike se ye ek aur idea hai. कि अगर आपको बहुत सी चीजें भी लिखनी है स्लाइड पे, तो भी आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इन्फोग्राफिक्स यूज करके. इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर हमने सिर्फ ये सारी चीजें, अगर आप सोचें कि हमने सिर्फ ये जो टेक्स्ट टेक्स्ट पार्ट है ये सिर्फ एक स्लाइड पे लिखा होता तो बहुत ज्यादा लग रहा होता ना, बहुत ज्यादा लग रहा होता. ऑफकोर्स देखें, एक दो तीन चार पांच छह और सिक्स टाइम्स थ्री, इतना सारा कॉन्टेंट है, और फिर ऊपर भी दो लाइन्स है, तो बिल्कुल क्राउडेड स्लाइड होती और कोई भी किसी को पढ़ने का दिल नहीं करता. वही जो हमने शुरू में एक स्लाइड देखी थी ब्लू कलर की, ये उस तरह की लगती. लेकिन अब क्योंकि विजुअल इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है कि ज्यादा कंटेंट भी आ सकता है, फिर भी हैवी नहीं लग रहा, फिर भी अच्छा लग रहा है. सो समटाइम्स इफ यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ स्लाइड, दिस इज अ गुड मॉडल फॉर दैट. जैसे अगर आप लेट्स से रूट वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है. एक वर्ड ऊपर दीजिए, जैसे अगर इंसान ही है ना, उसके तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट वर्ड्स हैं. इंसान यहाँ लिखें, उसके तीनों रूट वर्ड्स यहाँ लिखें, उसका उसके आप जैसे वर्ड एनालिसिस यहाँ लिखते हैं, अच्छे तरीके से उनको समझ आ जाएगा. यस, एंड कलर्स भी है ना, तो बोरिंग भी नहीं लग रहा. और अगर आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं कि टाइटल भी थोड़ा बड़ा करके उसमें भी तीनों कलर्स कर दें, तो वो और भी मैचिंग लगेगा. एक और प्रॉब्लम है कि समटाइम्स जब हम स्लाइड बनाने लगते हैं तो हम समझते हैं कि बस एक बैकग्राउंड होना चाहिए और सब कुछ उसी के ऊपर आ जाए बस. और ये जैसे ये फर्ज है हम पे कि अगर हमने पहली स्लाइड में ब्लू लगा लिया है तो हमें सारी स्लाइड्स ही ब्लू बैकग्राउंड की करनी है. किसने बनाया ये रूल, राइट? देयर इज नो सच रूल, इट्स नॉट फर्ज अपॉन अस, राइट? यस, ओल्ड मेथड ये था बिकॉज लोगों को बेचारों के पास टाइम नहीं था और पावर पॉइंट में यही वाली थीम्स आती थी चार पांच, और लोग उन्हीं से खुश रहते थे, बस ऊपर से अपना बस कंटेंट ऐड कर लेते थे, राइट? लेकिन ये बोरिंग नहीं हो जाता? सोचे, तीन स्लाइड्स के बाद आपके आपको ही परेशानी होने लग जाती है, जो पढ़ा रहा होता है उसको भी बोरिंग लगने लगता है. तो जो पढ़ रहा होगा बेचारा, उसको तो वाकई उसको तो सांस भी रुक जाएगा ना कि बस अब नहीं देखना मैंने ब्लू एनी मोर, राइट? और अगर कॉन्टेंट भी आप इसी तरह लिखेंगे जुमले के जुमले, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट्स द बेस्ट वे? आप कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का. लेट्स से आपका नहीं दिल करता, यू नो देयर आर सम पीपल, यू नो कभी कभी हमें ओसीडी भी होता है, तो हम नहीं चाहते कि कुछ डिफरेंट हो, तो कीप द बैकग्राउंड प्लेन एंड सिंपल. देन थीम ना रखें, अगर आपको थीम बहुत पसंद है तो वाइट थीम रखें और फिर उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स ऐड करें. और उन कलर्स को भी आप बेशक वो रख लें
स्टैंडर्ड कलर वो अच्छा लगता है कि बस आपने फोर कलर्स ये यूज करने हैं. लेट्स से आपने ये सोच लिया है कि मैंने बस ऑरेंज मरून ब्लू और ग्रे करना है और थ्रू आउट यू गोना डू इट. लेकिन इमेज सेम नहीं यूज करें. एक और प्रॉब्लम होती है, अगर हमें कोई इमेज अच्छा लग जाता है ना तो हम उस बेचारे को उस इमेज को तो इतना यूज कर देते हैं कि वो ही बुरा लगने लग जाता है. जैसे कि हमने एक दफा ये यूज कर लिया, अब हर स्लाइड पे वही लगाएंगे. डिफरेंट कॉन्टेंट होगा लेकिन शक्ल वही होगी, वो भी बोरिंग हो जाता है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हम अगली स्लाइड पर आए या वही है. और उनके नोट्स ऐसे उल्टे सीधे बनते हैं. तो इसलिए मेक श्योर कि हर स्लाइड पिछली से डिफरेंट हो ताकि उन्हें पता चले कुछ कुछ चेंज हुआ है. और हम और अगर वो सोने लगे थे तो वो जाग जाए और वो देखने लगेंगे अच्छा ये क्या लिखा है और ये क्या बना हुआ है और यहाँ क्या बताया जा रहा है. तो इंशाल्लाह दिस इज जस्ट एन आइडिया. यू डोंट हैव टू कीप द थीम वाइट, लेकिन वाइट इज वेरी नाइस क्योंकि एवरीथिंग गोज ऑन इट. हर चीज सूट कर जाती है. अगर ये ब्लैक होता ना तो हर चीज अच्छी ना लग रही होती, लेकिन व्हाइट पे सब अच्छा लगने लगता है. और भी कलर्स यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. सॉलिड कलर्स यूज कर लें, टेक्सचर कर लें, बट मेक श्योर इट्स नॉट टू लाउड क्योंकि फिर आगे वाला कॉन्टेंट नजर नहीं आएगा. तो कीप द गोल इन माइंड. एंड व्हाट इज द गोल अगेन, जो हमने शुरू में बात की थी. फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ टू मेक स्लाइड्स इंशाल्लाह, एंड वी विल मेक देम टुगेदर राइट नाउ. क्या गोल है हमारा? To reach the hearts. Very good. Alhamdulillah. Yes. To convey the ideas, not just the slides. Beautiful. Barakallahu feekum, Sister Samaya and Sister Fariha. All right. So how to make a presentation? There are many tools. Or, you know, agar aapke paas MacBook hai, to aap Keynote use karte honge. Agar aapke paas PC hai, to aap PowerPoint use karte honge. Ya phir Open Office ka bhi ek slideshow ka program hai. Yeah, there are many softwares like that. कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है और वो नहीं अच्छा. सारे सॉफ्टवेयर सेम है प्रीटी मच. आप किस तरह काम करते हैं उससे वो उससे फर्क पड़ता है, राइट? यस. और आज हम क्या सीखेंगे? गूगल स्लाइड्स. वाई? क्योंकि गूगल स्लाइड्स आर द यू कैन से फ्री सॉफ्टवेयर है. हर एक के पास है, आप सबके पास एक्सेस उसका और आप कभी भी यूज कर सकते हैं. सो हाउ टू एक्सेस दैट? तो आप जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट में, जो आपका ईमेल अकाउंट है. उसके बाद आप अपनी जो ड्राइव है, माय ड्राइव या आपकी गूगल ड्राइव, जो कि आप रीच कर सकते हैं बाय गोइंग टू drive.google.com. और फिर आप अपने नॉर्मल जीमेल अकाउंट की आईडी पासवर्ड से उसमें लॉग इन कर सकते हैं और फिर हम स्लाइड बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो मेक कुछ लोग स्लाइड्स बनाने सीखने के लिए दे स्पेंड सो मच एंड दे बाय सॉफ्टवेयर. I would never recommend that कि आप सिर्फ उसके लिए स्लाइड बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदें, unless or until उस सॉफ्टवेयर में वाकई कोई चीज हो जो कि बाकी में नहीं है, right? तो again, software is not a major thing. The way you think, the way you are, the way you design slides, that's the main thing, right? And Google Slides में some बहुत amazing features भी हैं. Inshallah, we're going to try to touch base that as well. So let's just begin. So let's say आप अपनी ड्राइव में पहुंच गए, ठीक है? स्टेप नंबर वन, लॉग इन, रीच योर ड्राइव. इफ यू वांट टू डू इट साइड बाय साइड, आप इस विंडो को थोड़ा सा छोटा कर लें, एक और विंडो खोल लें और आप अभी जाके ढूंढ लें. अगर आपने अभी तक कभी यूज नहीं की, इफ यू नो हाउ टू एक्सेस इट देन यू डोंट हैव टू डू इट. बस आप फिर जस्ट पे अटेंशन. इफ यू टॉक अबाउट समथिंग न्यू, इंशाल्लाह जॉट इट डाउन और रिमेम्बर दैट. अदरवाइज आप you know, just listen it, that's all. और अगर आपने कभी भी यूज नहीं किया तो I would recommend कि आप try कर लें साथ साथ. तो आप drive में जाएं and when you click on there's a button right there in drive, it says new and it has a plus sign. Click on new. जब click करेंगे तो ये आपको menu नजर आएगा, ये वाला सारा folder, file upload, folder upload, Google Docs, Google Sheets. I think आप ये सब कुछ use करते हैं. Google Slides is the next. इस पर क्लिक करें. It gives you two options, blank presentation or from a template. अभी हम template नहीं use करेंगे, अभी हम blank presentation use करेंगे, ठीक है? तो हमने क्लिक किया blank presentation में और ये आ गया. जब ये slide आ गई so it gives us the option कि अभी भी हम theme change कर सकते हैं. अगर हम चाहें black कर लें, grey कर लें, जो भी, and there are so many options. But we're going to keep it white for now.
क्योंकि हमने अभी एक इमेज पे एक दुआ लिखनी है या अज़कार लिखनी है. ठीक है इंशाल्लाह. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड. और इसमें हम ये क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सेव करने की कोशिश करेंगे जो हमने ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोली है. तो ऊपर जैसे हम खोलते नहीं तो इट सेज अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन. इसको आप चेंज कर दें और जो भी नाम देना चाहें. तो आप देते हैं माई फर्स्ट स्लाइड शो और यू कैन से माई प्रेजेंटेशन. और आप प्रेजेंटेशन पे कुछ भी बना सकते हैं. कोट्स डिफरेंट ऐड कर दें, आयात जो आपको पसंद है कुरान की वो ऐड कर दें और यू नो ब्यूटिफुल इमेजेस बनाएं इंशाल्लाह. सो दिस इज योर होमवर्क ऑल ऑफ यू. यू नो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एट लीस्ट वन स्लाइड. बस एक स्लाइड, नॉट पूरा शो, बस एक स्लाइड. सो इंशाल्लाह देर आर मेनी फीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह कि यू कैन ऐड इमेज, टेक्स्ट बॉक्स, वीडियो. आप बल्कि यूट्यूब का सिर्फ लिंक भी ऐड करें तो वो अपीयर्स हियर व्हिच इज वेरी अमेजिंग. शेप, कोई भी शेप्स, जैसे भी हमने बहुत सी इन्फोग्राफिक्स में शेप्स देखी हैं, वो सारी शेप्स ही थी. आप अपने इन्फोग्राफिक्स खुद बना सकते हैं. लेट्स से आपने बहुत ढूंढा, आपको थ्री पिलर्स वाला कोई इमेज नहीं मिल रहा, आपको सर्कल वाला कोई इमेज नहीं मिल रहा, खुद बना दीजिए. सारी शेप्स ही पर है. कलर्स भी अपनी मर्जी से ऐड कर लें. यू कैन ऐड अ टेबल, यू कैन ऐड अ चार्ट, अ डायग्राम इज देयर, वर्ड आर्ट, डोंट यूज दैट बट इट इज ऑल्सो देयर. अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है तो यूज करके प्ले अराउंड कर लें. और लाइन भी है जो आप जो कि आप कनेक्ट कनेक्शन शो करने के लिए डिफरेंट बॉक्सेस को यूज कर सकते हैं. एनिमेशन ऐड करने एक स्लाइड से दूसरे में जाने के लिए या एक स्लाइड पे कंटेंट के लिए भी. सो अभी हम इमेज ऐड करेंगे. ठीक है. सो व्हेन वी क्लिक ऑन इमेज इट गिव्स अस ऑप्शंस कि कहाँ से इमेज ऐड करना है. गूगल से करना है सर्च करके या फिर आपने अपने कंप्यूटर से लेना है. तो हम अपने कंप्यूटर से लेंगे. हमने अपने कंप्यूटर से लिया, हमें मिला ये इमेज. ठीक है. तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि इसकी स्क्रीन शॉट ले लें. आपको पता है कैसे स्क्रीन शॉट लेते हैं? There is a print screen button, ठीक है ना, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन बटन होता है. ठीक है. तो बस सिर्फ ये पार्ट ले लें बीच में से, इमेज वाला. ठीक है. हमने ये क्यों लिया? इंशाल्लाह हम इस पेपर पे एक हदीस लिखेंगे या आयत लिखेंगे और इस आईपैड पे उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे. ठीक है. आईपैड पे किस कलर में ट्रांसलेशन लिखना चाहिए? व्हाइट. वेरी गुड स्ट्रेविनिश. व्हाइट कर लें या ये वाला जो पिंक है ना, ये भी कर सकते हैं. ईदर वन, नॉट अ प्रॉब्लम. और देयर इज समथिंग कॉल्ड कलर ड्रॉपर. कभी आपने नोटिस किया उसको, आपने कलर ड्रॉपर को किसी प्रोग्राम में? छोटा सा होता है. बिल्कुल, वेरी गुड. तो वो बहुत यूजफुल होता है. अगर आपको कोई चीज मैच करनी है ना किसी स्लाइड पे कलर, तो कलर ड्रॉपर जरूर यूज करें. तो आप यहां से ये कलर ले लेंगे तो आपको सेम कलर मिल जाएगा अपने फॉन्ट के लिए और उससे आप सेम यहां लिखते हैं. तो ये कलर भी बहुत अच्छा है यहां पे लिखने के लिए. वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. मे अल्लाह रिवॉर्ड हर. आमीन. तो अब हम क्या करेंगे कि अब आप अपनी फेवरेट आयत या हदीस लिखें इसके ऊपर. कहां से लेंगे आप? Quran.com से आयत लेंगे, hadith.com से, सॉरी sunnah.com से आप अपनी कोई भी हदीस ले लीजिए. ठीक है. जो आज हमने की है वो भी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह वाली. सो लेट्स गो नेक्स्ट. एंड दिस इज हाउ यू कैन टर्न अ नॉर्मल इमेज इनटू अ नाइस इमेज जो कि आप शेयर कर सकते हैं किसी से और उनको बहुत अच्छा लगेगा. व्हाई? बिकॉज इस पे जो भी यू नो लाइक यू नो मुस्लिम होगा ना, दे विल For sure, like this, even if you post it on Facebook. अगर वो ये हदीस ना भी पढ़ें तो भी इसको लाइक कर लें. ठीक है. हदीस इज वेरी क्राउडेड, सो आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ बीच में से ना वो लिखें जो कि इसका ट्रांसलेशन और रेफरेंस दे दें, वो खुद ढूंढ लेंगे कहाँ से आया. ठीक है. बट दिस इमेज इट जस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू लुक गुड. सिर्फ थोड़ी सी अरेबिक एड करने से इसमें लिटरली जान आ गई, इज़न्ट इट? सो लेट्स मूव ऑन. सो लेट्स से आपके पास टाइम कम है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर स्लाइड के लिए इमेज ढूंढते फिरें, तो फिर आप टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं. आपके पास 10 मिनट है और आपने जल्दी से क्लास के लिए इतना स्केड्यूल बनाना जो अपने स्टूडेंट्स को दिखाना है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं था इससे पहले. इट्स नॉट कि आप जान के डिले कर रहे थे. अगर उस टाइम नहीं तो फिर क्या करें? जस्ट गो टू टेम्पलेट्स. एंड अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे काफी अच्छे टेम्पलेट्स हैं जो हमारी जो गूगल स्लाइड शो वाला जो अभी हम जो यूज कर रहे हैं इसके
इसी के अंदर बहुत अच्छी टेम्पलेट्स हैं. सो एज यू कैन सी देयर सो मेनी ऑप्शंस. ये बहुत, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये बहुत अच्छा है टाइमलाइन के लिए कि आज हम क्या क्या करेंगे और टाइमलाइन की तरह दिखाएं. इंशाल्लाह वी विल शो यू द बिगर इमेज ऑफ दैट इन अ बिट. लेकिन अभी पहले ये देखते हैं कि हमने वी सिलेक्टेड दिस. जो ये स्लाइड शो है आप नोटिस करेंगे जो टेम्पलेट है इसमें उन्होंने हर मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करके दिखाती हूँ आपको. ये टेम्पलेट्स आपको यहां मिलेंगी. एक मिनट सिस्टर. जब आप यहां आए थे ना न्यू पे क्लिक किया था और जब आपने गूगल स्लाइड्स पे क्लिक किया था इसने आपको दो ऑप्शन दी थी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन या फ्रॉम अ टेम्पलेट. जब आप फ्रॉम अ टेम्पलेट पे जाते हैं देन इट शोज यू दैट. इट्स दैट सिंपल. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आप अपनी टेम्पलेट नहीं बनाना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं. तो लेट्स गो बैक हियर. सो अगर हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं और ये देखें जो सारी स्लाइड्स है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. व्हाट डज इट शो? दिस इज अ नीड ऑफ टाइम. अगर एक सी होंगी ना सारी स्लाइड्स सो जो लिसनर है ना बेशक कितना भी अच्छा कॉन्टेंट हो वो बोर होने शुरू हो जाता है. तो दैट्स वाई वी ऑल्सो शुड डू दिस. ये ट्राई टू मेक डिफरेंट स्लाइड्स इवन दो आपकी थीम एक है, आप पॉइंट एक है आपका, आप बात एक कर रहे हैं, आपका टॉपिक बेशक बिल्कुल एक हो. लेट्स से आपका टॉपिक है पेशेंस, सब्र या तक्वा. लेकिन स्लाइड्स आप डिफरेंट कलर डिफरेंट थीम्स की यूज करें हर चीज को बताने के लिए. हदीस के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्लाइड हो और अगर आप कोई पॉइंट समझाना चाह रहे हैं और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि तक्वा किस किस को कहते हैं और एग्जाम्पल्स देना चाह रहे हैं तो ट्राई डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट बैकग्राउंड्स डिफरेंट images, different word art or different shapes to present it. Phir bahut interesting lagta hai. Agar aap ye dekhe to it's just a recipe ke liye slide show bana hua hai. Phir bhi interesting lag raha hai. Dil chah raha hai dekhne ka, isn't it? It's not something so cool, but it does look cool. To isi tarike se agar aapko images bhi add karne hai na, to bas aise nahi utha ke rakh dein. Unko is tarah frame kar dein. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can you hear me now? Okay, alhamdulillah. All right. So, where did you guys lose me? So, hum ye baat kar rahe the ki image kaise maine acche tarike se add kiye hain ki wo boring nahi lag raha, right? To agar hum वैसे ही इंसर्ट कर लेते और इसमें ये फ्री ना करते इसको वाइट से और इसको थोड़ा सा टिल्ट ना करते इधर उधर तो ये बहुत ही बुरा लगता, isn't it? क्योंकि देखिए वैसे तो ब्राउन बैकग्राउंड के साथ जा नहीं रहा ना और ये भी नहीं लगे अगर हम इसके ऊपर ऐड कर भी देंगे ये इमेजेस तो ये नहीं लगेगा कि ये इस लकड़ी के टेबल पर रखे मैं ये फूड आइटम्स नहीं लगेगा ना. तो अगर इस तरह के इमेजेस हों जो एक दूसरे के ऊपर नहीं सेट हो रहे तो आप उसको बॉर्डर बना के उसको इस तरह कर लें तो आप ज्यादा इमेजेस भी यूज करने के बावजूद वो स्लाइड बुरी नहीं लगेगी इंशाल्लाह. एंड देन मूव ऑन. दिस इज अनदर थीम. ये बहुत इफेक्टिव थीम है फॉर एनीथिंग जिसमें आपने टाइमलाइन शो करनी हो. अगर बेशक आप पूरे कोर्स का प्लानर भी दिखा रहे हो ना कि हम पहले वीक में ये करेंगे दूसरे में ये, उसके लिए भी बहुत अच्छा है. या अगर आप सिर्फ एक क्लास का स्केड्यूल दिखाना चाहें उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है. एक ही स्लाइड में बोरिंग हुए बगैर आप तरीके से दिखा सकते हैं. आई वुड स्टिल से कि ये स्लाइड फिर भी बोरिंग है. आप इसको प्यारा बना सकते हैं, टाइमलाइन को ही खूबसूरत कर सकते हैं. दैट यू कैन डू योरसेल्फ, राइट? खुद बना सकते हैं अच्छे तरीके से. एंड समवन वाज आस्किंग कि हम अपनी थीम्स बना सकते हैं. बिल्कुल बना सकते हैं अपनी थीम्स इंशाल्लाह. और गुड पार्ट इज कि ऑल्सो फॉर सीरा, अगर आप सीरा पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है टाइमलाइन वाला स्टाइल. आप इसको दो रोज भी बना सकते हैं इसकी एक स्लाइड पे टू शो मोर. वो फिर भी क्राउडेड नहीं लगेगा. और उसमें ये कर लीजिएगा अगर सीरा करा रहे हैं या कोई जिस अगर आपने एक स्लाइड पे दो
रोज डालनी है टाइमलाइन की इस तरह की, तो आप कंटेंट को बाहर ना लिखें फिर अंदर ही लिख दीजिएगा, इतना छोटा छोटा बस हो। जैसे अगर सीरा हो रहा है ना, तो आप कर दें बर्थ, फिर लिख दें कि मदर, फिर ग्रैंडफादर, इस तरीके से चले जाएं, और फिर खुद एक्सप्लेन करे होंगे और बस वहां पे वो लिखा होगा, तो स्टूडेंट को वो यू नो बस दे वुड हैव दीज पजल पीसेस टू रिमेम्बर द फ्लो कि क्या पहले हुआ था क्या बाद में हुआ था। Or there's a presentation mode, which I really like about Google Slides. What is this presentation mode? जब आप पूरा presentation बना लेते हैं ना, तो आप जाएं ऊपर यहाँ present पे और presenter view पे जाएं। इस presenter view में जब आप जाते हैं, तो it shows you many options, subhanAllah. और presenter view में एक तो जैसे let's say आप अपना computer कहीं लेके गए, आपके पास slide show है उस पे, आप उसे presenter view में खोल लीजिए। जब वो खुल गया उसमें तो फिर इट गिव्स यू मेनी ऑप्शन कि अगर आप लेट्स से आपके सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गैजेट्स उनके हाथ में और फोन यूज करें, तो आप उन सबको एक लिंक दे दें। वो लिंक कैसे आप देंगे? आप बस प्रेजेंटर व्यू में जाके आप इस पे क्लिक करेंगे कि ऑडियंस क्यू एन ए एंड स्टार्ट नाउ, इट ऑटोमेटिकली मेक्स अ लिंक और वो खुद ही आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर पेस्ट कर देगा राइट देयर, और वो यू नो इट्स गोइंग टू बी एन इजी लिंक टू कॉपी, और सारे स्टूडेंट्स दे कैन जस्ट कॉपी और वो फिर दे कैन आस्क क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आपके पास एक वेब पेज बनता जाएगा, इट्स अमेजिंग। और अगर आप वो दिखाना भी चाहें स्टूडेंट्स को उसी स्लाइड शो के ऊपर, तो बस देयर इज वन ऑप्शन दैट यू कैन सेलेक्ट राइट देयर, एक बटन प्रेस करना होता है कि शो द क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, तो जो it's a very easy way to get their attention. अगर आप notice करें कि वो अब थोड़े से bore हो रहे हैं, तो आप जल्दी से question answers दे लें और वो इस तरीके से आप ले लें, तो वो questions type करेंगे अपने phone पे, वो आपके पास आते जाएंगे और वो आप उनको दिखा दें उसी screen के through, इंशाल्लाह। So it's very simple. Let me go back. जब present पे जाएंगे ना, click on presenter view. जब presenter view पे जाएंगे, तो it gives you few options. एक pop-up आ जाएगा. It gives you few options. उस पॉपअप में आपको ये थ्री ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? क्लिक करें, प्रेजेंट करें, दैट्स गुड, वो तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है? फिर आप ऑडियंस से क्यू एन ए करें, ठीक है? उनसे कई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, लेकिन इस तरह ना पूछें बोल बोल के, रादर दे शुड टाइप, बिकॉज समटाइम्स जब आप नोटिस करें कि आपके सारे स्टूडेंट्स यूथ हैं और आपने कितनी दफा उन्हें कहा कि फोन रख दें लेकिन नहीं रख रहे, आप इस तरह का एक्टिविटी कराएंगे तो वो फोन यूज करेंगे लेकिन फॉर द कंटेंट ऑफ द क्लास। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेट्स से आप प्रेजेंट करें थे क्लास में, तो इवन दो यू आर यूजिंग अलहुदा टॉक या माय अलहुदा फॉर दिस, आप फिर भी प्रेजेंट अपनी प्रेजेंटेशन अगर आपने गूगल डॉक में अपलोड की हुई है तो आप सेंड कर सकते हैं और वहां से उनको गूगल लिंक भेज दें क्लास में और वो आपको क्वेश्चन भेजेंगे, वो सारे आपके पास एक डॉक्यूमेंट की तरह, एक वेबसाइट की तरह आ जाएंगे और बहुत क्लियर तरीके से लिखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और देन यू कैन रिस्पॉन्ड जितने आप क्लास में कर रहे हैं बाकी आप उनको वैसे ही रिस्पॉन्ड कर दें। सो इट्स वेरी अमेजिंग फीचर एंड इट इज गोइंग टू मेक योर प्रेजेंटेशंस इवन मोर इंटरैक्टिव एंड मोर फन। सो जस्ट प्ले अराउंड, आपको समझ आ जाएगी, इट्स नॉट दैट हार्ड, बस आपको जाके प्रेजेंट में, प्रेजेंटर व्यू में जाके एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है इंशाल्लाह। सो योर टास्क फॉर टुडे इज, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल, इट लुक्स हार्ड, तो बस आज तो आपको ट्राई करना ही करना है सिस्टर, इंशाल्लाह अगर हार्ड लग रहा है तो, क्योंकि जो भी चीज हार्ड लग रही होती है उसको आप चैलेंज की तरह लिया, एंड जब चैलेंज की तरह ले लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप कर ही लेंगे। तो आज क्या होमवर्क है आप सबका? ये सिर्फ बातें सुनने के लिए नहीं थी, आप सब ने एक इमेज बनाना है अच्छा सा और उस पे कोई आयत या हदीस लिख के विद द रेफरेंस आपने शेयर करनी है। इंशाल्लाह आपके पोर्टल पे हम ऐड कर देंगे जगह जहां पे आपने इंशाल्लाह वो पोस्ट करनी होगी। अगर आपके पास अच्छा इमेज है यू कैन यूज इट, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो अब आप ले लीजिए, ठीक है? सो सिंपल टास्क है, आपने आयत या हदीस शेयर करनी है, फॉन्ट अच्छा यूज करना है, अगर आपने टाइटल देना तो यहां दे दें, कोई मसला नहीं है। Like, let's say आप कोई दुआ सिखाना चाह रहे, दुआ फॉर होप, दुआ फॉर सब्र,
right? Yahan title aa sakta hai, yahan dua aa sakti hai, yahan translation aa sakti hai, ya reference aa sakta hai khali, jo bhi, inshallah. So this is your task and you have to do it before midnight, okay? Before midnight tonight, and you will see an area jahan pe apna image upload kar sakte hain. Yes, today. Bahut zyada lamba time nahi lagega aapko, promise, inshallah, right? Agar aapke paas PowerPoint already hai apne computer pe, to wo use kar lein. Jo bhi aapko easy lagta hai. There is no obligation ki aapko Google Slides hi use karni hai. Agar wo karna chahte hain wo bhi kar sakte hain, koi masla nahi. Jazakumullahu khairan kaseera. Agar koi question hai to aap pooch sakte hain. Portal pe inshallah you will see submit your homework submission for presentation class. Yeah, something like that. Theek hai, aapko samajh aa jayega. It's already evening, so subah kar lijiye, theek hai? Itne 12 ghante baat kar lenge, itna lamba to nahi soyenge na, to inshallah 12 hours kar le. Inshallah everyone can do it. Aaj humne karna hi karna hai, warna kya fayda hua itni sari baatein sunne ka agar hum ek slide bhi nahi bana sakenge to, right? So inshallah may Allah make it easy for all of you, and may Allah reward all of you for doing that.